नमस्कार, बी बाग बात में आपका स्वागत है। भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब इस समय हमारे साथ में हैं। देश की बुलंद आवाज़ों में से एक है। कई बार देखने में आता है कि वर्तमान में हमारी सेनाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन राजनेता मेमियाते हुए नजर आते हैं। साहब, हम तो इतना ही कहेंगे कि आप जरा आदेश तो दे दीजिए, फिर देखिए। देखिए, ऐसा है, मैंने सेना में अपनी सर्विस शुरू करी थी 1971 में। हमारा जो बैच है उसको बॉर्न टू बैटल बैच कहते हैं कि हम लड़ाई में बॉर्न टू बैटल। आपको तो ज्वाइन करते ही युद्ध का मौका मिल गया था। तो हम लोगों का जो हमारी जो पीढ़ी है उसने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे जब क्लियर कट आदेश आ गए थे। बख्शी साहब कहते हैं कि उनकी पीढ़ी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, हमारी पीढ़ी को पाकिस्तान के चार टुकड़े करने चाहिए। कैसे? जब तक आप नहीं करेंगे आप जो है चैन सुकून से बैठ नहीं पाएंगे। नहीं, ये चार टुकड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए साहब, जहां चाह वहां राह। अगर पाकिस्तान आपको तोड़ने की साजिश शरे आम दुनिया को बता के ऐलान करके 50 साल से कर रहा है, और 50 तो उसके आप 70 साल हो गए, क्योंकि 1947-48 में पहली बार उसने 10,000 कबायली भेजे थे ट्रकों के साथ, लूटपाट, औरतें उठा के ले जाने के लिए, अफरीदी और महसूद और ये सारे। तब से वो साहब ऐलान करके आपको तोड़ने की साजिश में लगा हुआ है। एक किताब है ब्रेकिंग इंडिया, हमें जरूर कभी पढ़नी चाहिए, राजीव मल्होत्रा साहब ने लिखी है, 10 साल पहले ये किताब रिलीज हुई थी। उन्होंने उस किताब में एक झंडा दिखाया था जो अमेरिकी और यूरोपियन थिंक टैंक्स में घूम रहा था तब से, जिसमें कि भारत के तीन टुकड़े दिखाई दिए थे। ऊपर का टुकड़ा कश्मीर से लेकर बांग्लादेश तक मुगलिस्तान, ये जो छत्तीसगढ़ का इलाका है ये दलितिस्तान, और जो उसके नीचे का इलाका द्राविडिस्तान। ठीक है साहब, जबकि जीन पूल की थ्योरी कहती है कि साहब भारत का पूरा जीन एक है, ना कोई द्रविड़ ना कोई आर्य, द्रविड़ आर्य से बांट नहीं सकते आप उनको। ये बकवास है सारा का सारा साहब, ये अंग्रेजों की बजाई चाल अभी तक चल रही है। मैं तो अभी भी आपको तोड़ने की बातें कर बख्शी साहब, मैं तो गिलगित का मसला हो, सिंध का मसला हो, बलूचिस्तान का मसला हो, हम राजनीतिक दृष्टि से देखें, सामरिक दृष्टि से देखें तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। राजनीतिक दृष्टि से जो प्रयास हो रहे हैं इसके लिए वो क्या काफी है? देखिए साहब, हमने जो है, अगर फॉल्ट लाइंस भारतवर्ष में है जिसको बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसीज, बाहर के इनिमिकल पावर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो जो हमारे दुश्मन हैं उनकी भी फॉल्ट लाइंस बहुत है। पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस बहुत है। पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस पे जो आपने इशारा किया है, गिलगित बाल्टिस्तान के शिया लोग हैं, जो त्रास उनको दिया गया है आजादी के बाद साहब, शायद ही किसी को मालूम होगा, क्योंकि हम सारा फोकस है साहब अजमल अमीर कासब के ह्यूमन राइट्स पे, और जो कश्मीर में जो चांदे पत्थर बाज हैं बलूचिस्तान, उनके उनके ह्यूमन राइट्स के। आप जरा बलूचिस्तान की तरफ नजर वहां पे गुजारिए, कितने बलूचियों से मैं मिला हूँ, बोलते हैं साहब हमारे बच्चे लगातार बातचीत हो जाते हैं, बातचीत चलती रहती है, कितने बेचारे आज दिल्ली में घूम रहे हैं, मारे मारे हाथ फैलाते लोगों की हमारी मदद करिए, हमारे बच्चे उठा लिए जाते हैं, टॉर्चर किए जाते हैं, लाशें सड़कों पे, बाजारों में, गलियारों में फेंक दी जाती है। वो देश हमें ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ा रहा है। ब्यूटी इज वो देश ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ा। मुहाजिरों को देखिए, यहां से जो बेचारे गए थे मुसलमान भाई, आज भी उनको 70 साल के बाद रेफ्यूजी मुहाजिर कहा जा रहा है। तो साहब ये अपने आप में बता देता है वहां का सच। नहीं तो सिंध के लोग अभी कमी कहां है? राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। देखिए, वो हमारे यहाँ विद्वेष पैदा कर रहे हैं, तो ये काम तो वहां भी किया जा सकता है। किया जा सकता है, हमें उम्मीद थी कि अभी तक काफी हो जाना चाहिए था, लेकिन लेकिन एक बात है, जो मेरा अध्ययन है हमारे सैन्य इतिहास का, वो ये दर्शाता है कि जब अंग्रेज गए हमें नपुंसक करके गए, हमारे ऊपर वो गांधीवाद थोप कर गए, इसमें हमें बताया गया दे दी हमें आजादी बिना खड़ा बिना ढाल। माफ कीजिए, एक आजाद हिंद फौज थी। मैं आपसे सहमत हूँ, उस समय लोग फांसी के फंदों पे लटक रहे थे। और बहुत कम लोग जानते हैं, दिस इज हाउ इतिहास अगर आप लिखें तो आप दुनिया का दिमाग मोड़ सकते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि आजाद हिंद फौज की नफरी थी 60,000, उनमें से 26,000 शहीद हो गए साहब। फिर कहना कि हमें अहिंसा से आजादी मिली है, तमाचा मारना है उन 26,000 शहीदों के मां बाप पर, भाई बहन पर, बच्चों पर, तमाचा मार रहे हैं आप। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, गांधीवाद हम पे थोपा गया,
जिस तरह जापान का निशस्त्रीकरण किया गया, न्यूटर किया गया कि जापान ना लड़ सके, जर्मनी ना लड़ सके, पैसिफिज्म वाज इंपोज्ड ऑन जापान, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई, आपके ऊपर साहब गांधीवाद थोप के गए। जब जनरल सर रॉय बुचर, जो आपका पहला ब्रिटिश आर्मी चीफ था, वो अपनी केन और टोपी डाल के नेहरू जी को सल्यूट मारने गया, अपने पॉलिटिकल मास्टर को, और उनके पास वो प्लान्स ले गया कि भारत की फौज की एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन, तो क्या कहा नेहरू जी ने उसको, जनरल वी डोंट नीड एन आर्मी, वी जस्ट नीड द पुलिस, वी आर अ पीसफुल कंट्री, अहिंसा लवर्स, पंचशील, फलाना टिमका, वो साहब सारी पंचशील हमारी धरी की धरी रह गई जब हमको 1962 में चीनियों ने करारा तमाचा मारा हमारे मुंह के ऊपर, तो कोई ना नॉन अलाइंड आए ना कोई आए, हम लोग हाथ पे हाथ मल के रोते रह गए। तब से लेकिन कुछ जागृति हुई। आपने तो 71 से लेके 62 तक और फिर कारगिल तक सारे दौर देखे, इस दौर में सबसे ज्यादा ताकतवर सरकार किसकी नजर आई? देखिए, दो टूक शब्दों में, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो में तोड़ा। अब जो कुछ भी कह लीजिए, जो कुछ भी गाली दे लीजिए, लेकिन बात यह है कि उस महिला ने वो करके दिखाया जो हमारे किसी मर्द ने नहीं किया। अभी अभी आप क्या पैमाने बन जाते हैं लंबाई चौड़ाई के, 56 इंच, 57 इंच, हमारे यहाँ अभी एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई। देखिए साहब, हमको बहुत उम्मीद थी इस सरकार से, बहुत हद से ज्यादा उम्मीद थी कि साहब ये सरकार आएगी, अब हमको मौका मिलेगा, जो कि हम 30 साल से जो जहर का घूंट पी के जो हम जो चुपचाप बैठे हुए हैं, जो चुपचाप बैठे हैं और जो तड़फ मच रही है सेना के अंदर कि साहब जरा हाथ तो खोलो, हम भी बताएं इनको लड़ना क्या होता है, लड़ाई कैसे होती है। ठीक है साहब, सलवार कमीज डाल के लड़ने आते हैं साले, क्या कहते हैं, सिविल ड्रेस में, तो हम इनको बता दें कि लड़ाई होती कैसी है। लेकिन साहब हमें हैरत है कि हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एक शॉट अक्रॉस द बो वॉज फायर्ड, ए क्लियर इंडिकेशन वॉज गिवन कि दस फार एंड नो फर्दर, लेकिन हमारी उम्मीद थी कि यह सर्जिकल स्ट्राइक खुल सिमसिम होगी, खुल सिमसिम, टू वे ट्रैफिक। अरे साहब, वन वे ट्रैफिक क्यों है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से उस पार लोग आए, मारे, लाशें गिराए, चलते बने सीटी बजा के, क्या है साहब ये कोई वेश्याघर है? नहीं, मैं फौजी भाषा की इस्तेमाल कर रहा हूं, टू वे ट्रैफिक, आप एक यहां करो 10 वहां मिलेंगे, जैसे इजरायली करते हैं, आप एक इजरायली मारो अगले दिन 150 आपके मरेंगे। हम भी पहले बात यही करते थे कि एक के बदले 10 सिर लेके आएंगे, 10 सिर लेके आएंगे, तो फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक पे हमने पूर्ण विराम क्यों किया, ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। उधर से सीज फायर का उल्लंघन रोज होता है, हो रहा है, तो आप दीजिए टिका, वो तो मौका है साहब, ऐसा सुनहरा मौका तो हम ढूंढते थे कि दुश्मन मौका दे तो साहब हम बताए तेरे को साहब आगे हिसाब होता है क्या, और मैंने किया हुआ है। मेरे खिलाफ वो 29 बलूच थी और 3 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी, उन्होंने पंगा लिया, मैंने कहा मैं बताता हूं, और ठोक दिया, और साहब ऐसा ठोका कि उनके 40 मरे और 132 से ज्यादा घायल हुए थे, जग मिट गई, सफेद झंडा खड़ा किया था साहब वहां पे, सफेद झंडा खड़ा किया था कारगिल के सामने जहां पे मेरा वहां पोस्ट था। हाँ, मेरे के 6 जवान मेरे शहीद हुए, 21 घायल हुए, लेकिन 4 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाया और जग मिटा दी। ये है, आप 71 से लेके और कारगिल तक हमारी जो रणनीति रही, जो वॉर रूम आप तैयार करते थे फिर अटैक करते थे, उसमें कुछ चेंज आए? देखिए साहब, एक चेंज आपको समझना पड़ेगा, 1998 में हमने न्यूक्लियर अपने जो है प्रदर्शन किए, अपना न्यूक्लियर ताकत दिखाई दुनिया को, और उसके थोड़ी देर के बाद चीन से उधार लेके पाकिस्तान ने भी 6 थोड़ा सा किया। अब जब से ये न्यूक्लियर पैरिटी आई है, हमारे जो राजनीतिक तबका, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस में तो खैर बिल्कुल ही वो बैठ ही गए थे, और यहां पे भी हमने देखा कि एक भय सा फैल गया है कि साहब अगर हमने कुछ किया बॉर्डर के पार, एक भी सिपाही ने पार कदम रखा तो साहब पॉप गोज द वीजल, दिल्ली जो है न्यूक्लियर भाप में उड़ जाएगा। साहब ये महज बकवास है, पाकिस्तान के पास दम नहीं है, पाकिस्तान के फौजी जर्नल जिनके हाथ में न्यूक्लियर बटन है, उनके आलीशान बंगले हैं, उनकी बड़ी बड़ी कारें हैं, उनकी मोतियों से लदी बीवियां हैं, आप समझते हैं ऐसे बंदा न्यूक्लियर बटन दबाएगा? उनके बटलर हैं, वेटर हैं, चौकर चाकर हैं, ऐसे लोग न्यूक्लियर बटन नहीं दबाते। अब समझे साहब, आप कारगिल में 2.5 महीने युद्ध हुआ, तकरीबन 3 महीने युद्ध हुआ था, कितने बम दिल्ली पे गिरे थे? सर्जिकल स्ट्राइक आपकी आपने करी, कितने बम दिल्ली पे गिरे? तो ये जो ढकोसला जो हमारे में, ये जो गांधीवादी तबके ने, नौकरशाही में पता नहीं ये तबका है कहाँ, ये तबका मुझे समझ नहीं आता, सब सरकारें आती हैं कि शेर की तरह, और फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि किसी और तरह रूप में उनको
उनको बिल्कुल नौकरशाह लपेट लेते हैं और गांधीवाद के रंग में उनको पेंट कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब गांधीवाद हो गई है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। बख्शी साहब कह रहे थे कि सबसे बड़ी समस्या गांधीवाद हो गई। बख्शी साहब से बातचीत का दौर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बुलंद आवाज आप सुन रहे हैं बख्शी साहब की। बख्शी साहब, गांधीवाद, सुभाष चंद्र बोस, आप भी बहुत कुछ करने जा रहे हैं। जी देखिए साहब, ऐसा है कि हमारे देश में 1857 में पहली गदर हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम हुई थी, अंग्रेज थर्रा गए थे। उस वक्त उन्होंने सोचा कि साहब हम ये भारतवर्ष कैसे इकट्ठा हुआ, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतने महजब, इतने जात पात, और ये इकट्ठा होकर हमारे खिलाफ इन्होंने बगावत करी, हमको विद्रोह किया, ये किया वो, हम फिर कभी इकट्ठा नहीं होने देंगे, हर एक फॉल्ट लाइन ढूंढो और उसका फायदा उठाओ। और पता सबसे पहली फॉल्ट लाइन क्या चुनी थी उन्होंने? कास्ट। 1872 में सर जॉन रिसले ने पहला कास्ट बेस्ड सेंसस किया आपके देश में, कास्ट बेस्ड सेंसस। और पता जॉन रिसले ने क्या कहा? एज लॉन्ग एज देयर इज कास्ट देयर विल बी नो इंडिया। आज भी भोग रहे हैं उसको साहब। अब रोन सोने पे सुहागा, और रोना ये है 70 साल हो गए आजादी के, हमारे नेताओं ने अंग्रेजों से ज्यादा कास्ट का इस्तेमाल किया, जो हमें तोड़ने के लिए किया गया था। और जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे वो एक पैन इंडियन आइडेंटिटी बनाना चाहते थे, पैन इंडियन आइडेंटिटी, यू नो, एक भारतीय पहचान कि मैं बख्शी हूं, पटेल हूं, महातो हूं, कुर्मी हूं, फलाना हूं, ढिमकाना हूं, जाता हूं, उसके बदले साहब मैं भारतीय हूं, हम सब भारतीय हैं। ये आपका सॉन्ग है आपकी नेशनल कैडेट कोर का। इंडियन नेशनल आर्मी में सुभाष चंद्र बोस ने जात पात धर्म शर्म सब मिटा के हम सब भारतीय हैं का नारा पहले दिया था। उस इंसान को आप याद कर ले, आपके आधे दुख तकलीफ चले जाएंगे। गांधीवाद से लड़ने वाला अगर एक था तो वो था जिसने कहा कि साहब भीख मांग के आजादी नहीं चाहिए, लड़के लेंगे। बख्शी साहब आप ऐसा बोलते हैं इसीलिए कई बार आपकी आलोचना भी होती है। अरे साहब मैं फौजी हूँ ना, मुझे किसी से कुछ लेना श्री ना मुझे कुछ देना। श्रीदेवी के शब्द को जब तिरंगे में लाया गया तब भी आपने कहा कि बिल्कुल, क्योंकि माफ कीजिए जितनी भी मैं इज्जत करता हूँ उस अभिनेत्री की, उनकी कला की, लेकिन युद्ध कला अलग है साहब और बाकी कलाएं अलग है, आप उनको मिला नहीं सकते क्योंकि युद्ध कला में जान जाती है, पर खच्चे उड़ जाते हैं जिस्मों के। मैं लड़ाई के मैदान में रह के मेरे दाएं लोग मरे हैं, मेरे बाएं मरे हैं, मैंने अंतरियां बाहर आती देखी है जवान की जो अपने हाथ से बेचारा ऐसे ऐसे करके खींच रहा है। 21 फुट की होती है साहब शॉर्ट इंटेस्टाइन और 6 फुट की बड़ी इंटेस्टाइन। आपने नजारा कभी आप हिसाब लगा सकते हैं कि एक आदमी अपने हाथ से अपनी अंतरियां बाहर अंदर समेट रहा है, और फिर बांध लेता है। फिर आप उसको इक्वेट कर दें उस बंदे को किसी और अभिनेत्री के साथ, तो माफ कीजिए आप अन्याय कर रहे हैं। एक सवाल रोहिंग्या मुसलमानों का भी है, आपने कहा कि ये भी एक साजिश है पूरी की पूरी। किस चीज की? रोहिंग्या मुसलमान जो बिल्कुल, आप देखिए साहब जम्मू कश्मीर में ना आप जाके बस सकते हैं ना मैं बस सकता हूं, लेकिन 40,000 रोहिंग्या आप जाके वहां, उनमें से 8,000 आप कहां बसाते हैं? हमारे सुंजवा कैंप के बाहर, ताकि टेररिस्ट वहां आए, रेकी करें, आराम से खाने पीने खाएं, सोएं वहां पे 10-12 दिन, सेंट्री की मूवमेंट देखें, और 7,000 उसके बाद आप भेजते हैं लद्दाख में जहां की बौद्धों की संख्या घटा के ये की जाए, आपकी आंख के नीचे हो रहा है। कश्मीरी पंडित आज तक नहीं जा पाए 90 के बाद से, 4.5 लाख तो साहब आप में उनमें से एक नहीं भेज पाए। हाँ रोहिंग्या जरूर आपको उदारता का क्या बोलते हैं जो समुद्र फूट पड़ा। तो सरकार की कथनी करनी में अंतर क्यों आ जाता है इतना अचानक? तो साहब यही तो सारी बात है, यही तो हम हैरान है। अब बताइए, अब जो है वो भारत का नागरिक कहां जाए? इतनी उम्मीदों से हमने कहा कि साहब आप आइए, आप जरा कर दीजिए, कई बार आपको केवल आदेश देना, कई बार हम ना कई बार आप देश की बात करते हैं आपकी आंखें भर आती हैं, ये चीजें राजनेताओं को समझ में नहीं आती। अब ठंडी सांस लेने के सिवा और क्या कहने को रह जाता है? देखिए साहब मैं देखिए तभी हम लोग कहते हैं कि आप अपने फौजियों की आवाज सुनिए।
हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं, मैं भूतपूर्व रिटायर्ड सैनिक हूं, ना मैंने चीफ बनना है, ना मैंने गवर्नर बनना है, ना मैंने एम्बेसडर बनना है। मैं अपना बख्शी साहब, आप फौज की बात करते हैं, कई बार किसी फौजी का वीडियो आता है कि खाना ठीक नहीं मिल रहा है। देखिए ऐसा है, जब मैं फौज में था सबसे बड़ा इज्जत का सवाल होता था किसी पलटन के कमांडिंग ऑफिसर का कि साहब मेरी पलटन का खाना, ये बोले ठीक, कोई बोलता था तो वो आग बबूला हो जाता था। सबसे अच्छा है क्योंकि देग तेग फतेह, देग मतलब देगची जिसमें खाना पकता है, अगर देगची अच्छी है तो जवान तगड़ा होगा, तलवार तेग, तेग और ट्रेनिंग अच्छी है तो फतेह ही फतेह है, आधार क्या है, देग। तो साहब हमारे जमाने में तो हमने सुना नहीं कभी ऐसा कि खाना खराब, ये कि खाना खराब हो या हो सकता है, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरना, कि मैं तो खा जाता था। जब मैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग बना रोमियो फोर्स का, कोई 20,000 के ऊपर ट्रूप्स मेरे साथ थे, तो मेरे को जब कोई पलटन बुलाती थी, सर आपके लिए शाम को सर ऑफिसर मेस में खाना, मैं कहा मैं ऑफिसर मेस में खाना नहीं खाऊंगा आपके साथ, मैं ओआर मेस में खाना खाऊंगा, मुझे जवानों के साथ खाना खिलाना है, खाना खिलाना है तो जवानों के साथ। सर वो स्टैंडर्ड में तो फिर ठीक करिए, आपके दर्जे का नहीं, मैं मेरे दर्जे का करो जवान का खाना, तब मैं आऊंगा तुम्हारे पास, और अगर तुम्हारा खाना फिट नहीं आप अगली रैंक भूल जाइए। आप ऐसी कड़वी कड़वी बातें करते हैं, इसीलिए तो नहीं खटकते लोगों को? अब खटकू ना खटकू साहब, वो बोले मेरी बला से, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ, आजाद हूँ। आप जब बोलते हैं आप जब बोलते हैं तो नॉर्थ ब्लॉक में साउथ ब्लॉक में ये सब दर्ज होता है, आई होप दर्ज होता है। और एक बात मैं ये भी कहूंगा, दर्ज होने के जो परिणाम आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन नहीं आएंगे, आएंगे। देखिए अभी मेरी अकेली आवाज है ना, इसलिए नहीं आ रहे, जब लाखों लोग यही चीज बोलेंगे, द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। और मैं ये भी आपको याद दिला दूं, 1971 में इंदिरा गांधी को लड़वाने के पीछे करोड़ों लोगों का आक्रोश हिंदुस्तानी और आवाज थी हिंदुस्तानियों की, मतलब नो गवर्नमेंट कुड हैव विदस्टूड दैट प्रेशर, कि साहब बहुत हो गया अब सालों को ठोको, तब ठोका। और अभी भी आपको अगर लड़ाएगा, द वॉइस ऑफ द पीपल, एक आदमी की आवाज से कुछ नहीं होगा, द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। एक डोकलाम वाला मसला सामने आया जी, कुछ वीडियो भी आम लोगों ने देखे और आम भारतीय का खून खौल उठा फिर से जी, उसको राजनयिक दृष्टि से निपटने की कोशिश की गई। वो जब भी हैं वो चिल्ला के बात करते हैं, पाकिस्तान वाले चिल्ला के बात करते हैं, हम दबी आवाज में बात क्यों करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर? मैं कहता हूं दबी आवाज में बात करिए, लेकिन अपने कर्मों की जो आवाज है उसको बढ़ाइए, कथनी से ज्यादा करनी। और देखिए डोकलाम में जब हुआ तो मैंने कहा कि उस वक्त मैं इंडियन मिलिट्री रिव्यू का जो मंथली सिक्योरिटी इशूज पे मैगजीन है, हमने इसका विश्लेषण किया और एक वॉर गेम करी कि साहब अगर डोकलाम में युद्ध होता है तो क्या हो सकता है। हमने साफ कहा कि चीन को नाको चने चबाने पड़ जाएंगे इस इलाके में, उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। और मैंने ये भी कहा कि लड़ाई साहब इस साल नहीं होगी, लड़ाई का अंदेशा 2018 में ज्यादा है, क्योंकि उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी को जाना था, कहाँ पे उनको जाना था, बीजिंग में ब्रिक्स समिट के लिए। अगर वो नहीं जाते तो चीन की कन्नी कटती, कि भाई पांच में से जब एक ही नहीं आया स्तंभ तो चीन की कन्नी कट गई, तो चीन बड़ा कीन था कि साहब किसी तरह से ये वार्ता हो जाए, नंबर है। उससे भी ज्यादा बहुत कम लोग जानते हैं कि शी जिनपिंग साहब के खिलाफ पिछले 4 सालों में कोई कम से कम 6-7 षड्यंत्र रचे गए हैं, जान से मारने उन्हीं के देश करने, वो अपना वहां पे जो है स्क्रूज टाइट कर रहे थे, और अब तो वो वहां के बेसरताज बादशाह, जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे, वो बेसरताज बादशाह बन गए हैं वो चीन के। इस साल आपको खतरा है, अगर इस साल झड़प शड़प हुई तो वो बड़ी हो सकती है। इसके लिए मेरा सुझाव एक भूतपूर्व सैनिक के तौर पे ये है कि प्लीज अपने आप को तैयार रखिए, मश्क करिए, और मुझे उम्मीद है, मुझे अभी भी उम्मीद है कि हमारी सरकार ये दोनों को कुछ हिसाब ना को चले चबा के जाए। ये दूसरा वाला ये तो बड़ा नासूरी टाइप का फोड़ा है, और इसका तो इलाज जब तक ऑपरेशन एक बार ठीक ठाक नहीं होगा तब तक समझ में आने वाला नहीं है। बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला साहब, लातों के भूत कभी बातों से माने। एक कविता है, 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ, कि ये फोड़ा नासूरी है, इसका इलाज बेहद जरूरी है, चीड़ फाड़ करनी होगी, तुम कहो ये हिंसा है पर मजबूरी है। मजबूरी है, करना आपको पड़ेगा। गीता में एक बहुत उत्तम जो है, सबसे उत्तम अध्याय, पहला अध्याय,
जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ले जाते हैं, और अगर फौजी भाषा में संस्कृत का अनुवाद किया जाए तो उन्होंने अर्जुन को क्या बोला, अरे अर्जुन लड़, अगर तू नहीं लड़ेगा तो ये तेरे को मार डालेंगे। ठीक है साहब, आप नहीं लड़ोगे, आप अहिंसावादी बन गए हो, तो ये नहीं आपको छोड़ेंगे, ये अहिंसावादी नहीं है। हम कहते हैं अगर तुम्हें एक गाल पे तमाचा मारे, दूसरी गाल आगे कर, चीनी क्या कहते हैं, इफ अ मैन स्लैप्स यू वंस इट इज हिज मिस्टेक, इफ अ मैन स्लैप्स यू ट्वाइस इट इज योर मिस्टेक। अगर आपने जरूर कोई गलती की होगी, सीटीटी मारी होगी कहीं पे, तब आप चुपचाप मारो। तो निदान आपको निदान क्या नजर आता है? देखिए निदान क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो आपकी उस बात से सहमत है कि चार टुकड़े करना चाहिए, बिल्कुल तरीका नहीं पता। लेकिन तरीका देखिए, समय अपने आप बहुत बलवान है। समय इस जो लहर नीचे गई उसका वापस ऊपर आना अनिवार्य है, साइन कर्व है ये। भारत की जो सांस्कृतिक लहर थी हमारी सिविलाइजेशन की, आज से कोई 10 सदी पहले वो अपनी लोएस्ट मिनिमा तक पहुंच चुकी थी। अब आप क्षण ये लहर चढ़ रही है, फिर चढ़ रही है। आप चाहें या ना चाहें आप महाशक्ति बन के रहेंगे, और महाशक्ति तभी बनते हैं जब बड़े चैलेंज आते हैं। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी साहब का, भी आपने उनसे चर्चा की इस बारे में? जी, मैं जब भी उनसे मिला हूँ मैंने नेताजी के बारे में बात की है। मैं और भी दिग्गज जो हैं इस सरकार में, मैं डोवल जी के साथ भी रहा, और वो कभी कभी जब भी वो समय देते हैं तो मैं ज़रूर जाके यही चीज़ें कहता हूँ और सार्वजनिक क्षेत्र में कहता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक छोटी सी आवाज़ जनरल बख्शी की से ये नहीं होगा करिश्मा, ये होगा जब ये आवाज नहीं जनरल जनता जनार्दन की आवाज, जनरल बख्शी के साथ युवा जुड़े हुए हैं जी। वो आपको पसंद करते हैं, वो आपके मिजाज को पसंद करते हैं, वो इस परंपरा के हैं कि लड़ेंगे और जीतेंगे, और मुझे इसी और जीतता वही है जो लड़ता है। देखिए इसी पीढ़ी में मुझे विश्वास है। आज के दिन डेमोग्राफिक सर्वे दियो, क्या आप जानते हैं कि भारत की आबादी 1.3 अरब है, 2025 तक 1.4 अरब हो जाएगी, चीन की आबादी से ज्यादा हो जाएगी। 50% इस आबादी में 25 वर्ष की आयु के नीचे है, युवा है। अगर आज हम फौज खड़ी करना चाहते हैं, भारतवर्ष से बड़ी फौज पूरी दुनिया में नहीं खड़ी नहीं कर सकती। यही मौका है, और मुझे विश्वास है इस युवा पीढ़ी में कि ये भारत को ले जाएंगे। हम तो साहब हमारा जो होना था सो हो लिया। नहीं नहीं, आप सब 56 इंच, आप सारे 56 इंच के सीने वाले हैं, जितने सफेद मूछ वाले हैं, जितनी सफेद दाढ़ी वाले हैं, सब 56 इंच के सीने वाले हैं। लेकिन वो 56 इंच का सीना कुछ करके तो दिखाए, हम सबको बड़ी उम्मीद है। मुझे उम्मीद, मैं ना उम्मीद नहीं, मुझे अभी भी उम्मीद है। मैं तो हैरान हूं कि इतना समय लगा है, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है। मुझे इस देश के युवाओं पर पूर्ण विश्वास है, ये पीढ़ी हमको वहां पहुंचाएगी जहां जिन कीर्तिमानों पर हमको होना चाहिए, जिन सिविलाइजेशनल हाइट्स पर हमको होना चाहिए, चाहे आप चाहें या ना चाहें। लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, वो आपको वहां ले जाकर छोड़ेंगे। जो लहर नीचे गई उसका ऊपर आना अनिवार्य है, ये होकर रहेगा। मेरी उम्मीद है कि मेरे जीवन काल में हो जाए, जो भारत को हम एक सशक्त सुदृढ़ भारत, जिसने की नाक और चने चबवा दिए, जो आंख जिस उठी उसको बार खींच लिया, और ज्यादा किसी ने दादागिरी दिखाई, बेवजह युद्ध हम नहीं चाहते, लेकिन चार टुकड़े तुम्हारे करके छोड़ेंगे। ये मुझे 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 पूर्ण विश्वास है कि ये आपके और मेरे काल में होगा, एक नया भारतीय युग आएगा। आपने जीने से बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे जनरल बख्शी को। बख्शी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के चार टुकड़े भी होंगे, और लेकिन उनको जितनी भी उम्मीदें वो युवाओं से हैं, युवा कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि एक सुदृढ़ भारत हम सबके सामने होगा। विभाग बात में आज इतना ही, नमस्कार। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।